दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने 60, 70 और 80 के दशक में हीरोइन के तौर पर काम किया, लेकिन 90 के दशक से माँ के किरदार निभाने शुरू कर दिए, जिसमें इन्हें लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया, जिसकी वजह से इन्हें अलग अलग फिल्मों में अलग अलग अभिनेताओं की माँ का किरदार निभाने का मौका मिला। और इस तरह से इस अभिनेत्री ने ढेर सारी फिल्मों में माँ के किरदार प्ले किए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक जानी मानी अभिनेत्री फरीदा जलाल के बारे में। मेरे बापू को गरीब समझकर क्या इसीलिए नौकरी दी थी आपने मेरी इज्जत डूबने के लिए? दाम खरीदी हुई चीज के चुकाए जाते हैं, छीनी हुई चीज के नहीं। ओह शट अप, ये उठाओ, चली जाओ यहाँ से, वरना क्या करेंगे आप? बहुत नौकर चाकर है ना आपके पास, बुलाइए उन्हें और कहिए मुझे बाहर फेंक दें। दोस्तों फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च सन 1949 को नई दिल्ली में हुआ था। जब वह सिर्फ 5 साल की थी उसी वक्त इनके माता पिता का तलाक हो गया था। अब बारी आई इस फैसले की कि फरीदा जलाल और इनके भाई को माता या फिर पिता के पास रखा जाएगा। इस बात पर इनका यह फैसला कोर्ट जा पहुंचा, जहां पर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दोनों बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा जाएगा और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब दोनों बच्चे माँ के पास आ जाएंगे। कोर्ट के इस फैसले को फरीदा की माँ और पिता ने माना और इस तरह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद फरीदा जलाल और इनके भाई इनकी माता के पास आ गए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि फरीदा जलाल को बचपन से ही अभिनय करने का काफी शौक था, इसीलिए इन्होंने अपने स्कूल डेज से ही छोटी मोटी नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था और इस तरह से फरीदा जलाल एक्टिंग से जुड़ चुकी थी। इसी दौरान मुंबई में एक टैलेंट हैंड कॉन्टेस्ट का शुभारम्भ हुआ जिसमे फरीदा जलाल ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमे महिला विजेता चुनी गयी, जबकि इन्होंने कहीं से भी कोई एक्टिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। दोस्तों एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कहते हैं कि अगर इंसान ने अपनी हार स्वयं मान ली तो उसे कोई भी व्यक्ति जीता नहीं सकता, और जिस इंसान ने जीतने की ठान ली उसे कोई हरा नहीं सकता। और यही सच साबित हुआ फरीदा जलाल के जीवन पर, जब इन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के टैलेंट हैंड कॉन्टेस्ट में सारी लेडीजों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों जिस समय फरीदा जलाल मुंबई में टैलेंट हैंड कॉन्टेस्ट की विजेता रही उसी समय इनके कई इंटरव्यू हुए जिनमें डायरेक्टर ए सलाम फरीदा जलाल से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें लगा ये लड़की अभिनय के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाएगी क्योंकि इसके अंदर अभिनय कूट कूट कर भरा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर ए सलाम ने फरीदा जलाल को अपनी सन 1967 में रिलीज फिल्म तकदीर में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया, जिसमें इन्होंने उस समय के इंडस्ट्री के बड़े कलाकार भारत भूषण और जॉनी बॉकर के साथ काम किया। इस तरह से फरीदा जलाल के फिल्मी करियर की अच्छी खासी शुरुआत हो गई। इसके बाद साल 1968 में इन्होंने अपने करियर की धर्मेंद्र और मीना कुमारी स्टारर फिल्म बहारों की मंजिल में काम किया। इसके बाद साल 1969 में इनकी जोड़ी जमी उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ और फिल्म थी आराधना, जिसमें फरीदा जलाल राजेश खन्ना की प्रेमिका के तौर पर अभिनय करती हुई नजर आई थीं, जिसमें इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया और इस तरह से ये एक सफल फिल्म साबित हुई, जिस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नॉमिनेट किया गया था, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसी फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने अपने नाम कर लिया था। राजेश खन्ना के साथ आई इनकी फिल्म आराधना की इतनी बड़ी सफलता के बाद इन्हें इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे। इसके बाद साल 1970 की बॉलीवुड फिल्म पुरस्कार में फरीदा जलाल जॉय मुखर्जी के साथ अभिनय करती हुई नजर आईं, जिस फिल्म में भी लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसके बाद इनकी फिल्म माई नया रास्ता जो कि बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई। इसके बाद इन्हें साल 1970 की फिल्म गोपी में दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाने का मौका मिला, जिसे इन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि कई लोगों ने फरीदा जलाल को समझाया कि अपने करियर के शुरुआत में तुम्हें इस तरह के बहन के रोल नहीं करने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इच्छा भी इस तरह के रोलों में ही ढलती चली जाएगी और डायरेक्टर्स तुम्हें इसी तरह के रोल देना पसंद करेंगे। लेकिन फरीदा जलाल ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और जवाब दिया, मुझे दिलीप कुमार जैसे बड़े सितारे के साथ जैसा भी काम करने का मौका मिलेगा मैं उस काम को हरगिज स्वीकार कर लूंगी, फिर वो तो दिलीप कुमार की बहन का रोल है इसलिए मैं उस रोल को जरूर करूंगी। इस तरह से फरीदा जलाल ने अभिनेता दिलीप कुमार की बहन का किरदार निभाया और यहीं से मुख्य अभिनेत्री के किरदार निभाने वाली अभिनेत्री बहन के किरदार में पसंद की जाने लगी। इसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेताओं की बहन के किरदार निभाए, जिनमें साल 1974 की अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मजबूर को भला कौन भूल सकता है, जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बहन के रोल में इन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था, जिसके लिए इन्हें इनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में बहन के साथ साथ और भी कई तरह के छोटे मोटे रोल प्ले किए, लेकिन जिनमें इन्हें कोई खास सफलता न मिल पाई। इसके बाद इन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया
और इन्होंने साल 1978 में अभिनेता तवरेज बर्मावर से शादी कर ली। दरअसल जब 1974 में इन्होंने फिल्म जीवन रेखा में तवरेज बर्मावर के साथ काम किया तभी इन दोनों में प्रेम शुरू हो गया था और इस तरह से लगभग 4 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद इन दोनों ने साल 1978 में शादी कर ली। शादी के बाद फरीदा जलाल के पास सिर्फ गिनी चुनी फिल्मों के ही ऑफर्स जाने लगे और इसी तरह से साल 1978 से लेकर साल 1990 तक इन्होंने सिर्फ 7-8 फिल्मों में ही काम किया। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियों ने दस्तक दी और वहीं फरीदा जलाल अपनी उम्र के 4 दशक भी पूरे कर चुकी थीं। इसीलिए इन्हें डायरेक्टर्स ज्यादातर हीरो हीरोइन के माँ के किरदार में पसंद करने लगे और इस तरह से इन्होंने 90s की कई फिल्मों में माँ और दादी के किरदार निभाए जिनमें पायल, लाडला, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लोफर, राजा हिंदुस्तानी तथा और भी ढेर सारी फिल्में शामिल हैं जिनमें इन्होंने माँ और दादी के किरदार निभाए। आरती पर शक मत करना, आखिर वो तुम्हारी पत्नी है, हर पति पत्नी में तो झगड़ा होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी। जा जा तू उसे मना ला। मैंने मिर्ची कम ही बोला था, लेकिन ये नालायक है ना मुच्छड़, ये तो ऊंचा सुनता है ना, हर बात में हाँ 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 करता है, समझ गया फिर वही गलती करता है। अच्छा तू क्या लाई खाने को? दोस्तों अगर बात करें फरीदा जलाल की पर्सनल लाइफ की तो वीडियो में हम आपको बता ही चुके हैं कि फरीदा जलाल ने सन 1978 में तबरेज बर्मावर से शादी की थी जिससे इनके एक बेटे यासीन जलाल ने जन्म लिया। आज के समय में भी फरीदा जलाल अपने फिल्मी करियर को लेकर सक्रिय हैं और गिनी चुनी फिल्मों में काम करती रहती हैं। इसके अलावा इन्होंने ढेर सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है जिनमें ये जो है जिंदगी, देख भाई देख, द ग्रेट मराठा, जुनून, शरारत, हीरो, भक्ति ही शक्ति है, बालिका बधू, रिश्ता.com, डॉली, आंटी का ड्रीम बिल्ला, अम्मा जी की गली और सतरंगी ससुराल जैसे टीवी सीरियल शामिल हैं। अगर हम बात करें इनके करियर के कुछ अवार्ड्स के बारे में तो सन 1972 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पारस के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सन 1992 में फिल्म हिना के लिए, सन 1995 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ममू के लिए और सन 1996 में फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये कहानी थी अभिनेत्री फरीदा जलाल की जिसमें आप सभी ने जाना कि कैसे एक अभिनेत्री ने बड़े बड़े सितारों के साथ हीरोइन के रोल करने के बाद बहन और माता के किरदार प्ले करने लगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें तथा बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। रोना कभी खत्म नहीं होगा। अरे आदमी एक दिन खत्म हो जाता है फिर ये तुम्हारा रोना काहे खत्म नहीं होगा? कहाँ दुख है तुम्हें? हाँ वरना क्या करेंगे आप, बहुत नौकर चाकर है ना आपके पास, बुलाइए उन्हें और कहिए मुझे बाहर फेंक दें और अपने ड्राइवर से कहिए मेरे ऊपर गाड़ी चला दें।